गडकरी का ये कहना कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष होना जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष रहेगा तो देश चलेगा, और उसने जिस प्रकार बात की है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्षी भूमिका निभाने के काबिल है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद में उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं, देश से मुक्त करने की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। सर जेपी नड्डा आए हैं सर राजस्थान में आके गए हैं, ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने में धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। जिस रूप में इन्होंने ये घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आके नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष की द्वारा हो, कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे, कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है, चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं बेचारे, समझते नहीं, हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भड़क जाते बेचारे वो। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है, चोट उसी की लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को भी चोट लगी है, कोई इक्का दुक्का हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत सद्भावना रहे, तब जाके हम और आगे बढ़ पाएंगे, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बैन सिंह शहीद हो गए, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है कि हमारे नेताओं ने आजादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आजादी के बाद में कुर्बानी दे करके इस देश को एक रखा, अखंड रखा और आज यहां तक पहुंचाया है। और मोदी जी कहते हैं कि साहब क्या आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, 70 साल में क्या किया इन लोगों ने, ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है, वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लिंचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था ये एंटी सोशल एलिमेंट है, पूरे देश ने स्वागत किया था उसका, और उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है, हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है, वो चाहते नहीं है। कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप क्या इसलिए लगाते हैं कि पोलराइजेशन कर ले? अब कांग्रेस की तो अब बताइए, मिस्टर गडकरी ने क्या कहा है? गडकरी के कहने के बाद कोई बात बच जाती है क्या? मिस्टर नितिन गडकरी ने जो बात कही है आप सोच सकते हो क्यों कही है, और उसे साहस दिखाया कहने का, मैं समझता हूं कि उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। गडकरी का ये कहना कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष होना जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष रहेगा तो देश चलेगा, और उसने जिस प्रकार बात की है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्षी भूमिका निभाने के काबिल है, मैं समझता हूं कि उसके बाद में उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं।
कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं देश से, मुक्त करने की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे मैं मानता हूँ। सर महंगाई को लेके आंदोलन हो रहा है, आपने अभी अपील की है कि 7 अप्रैल को जो है वो आए लोग आए, बहुत कह चुके हैं और मोदी मैं का नाम नहीं ले। महंगाई को लेके तो यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी और रैली आयोजित हो चुकी है, सोनेरी राहुली आ चुके हैं और महंगाई की मार जो पड़ रही है वो गरीब आदमी जानता है, पैसे वालों को मालूम पड़ता नहीं है क्योंकि 2 नंबर का पैसा खर्च होता है। स्थिति यह है कि पैसे वालों को नहीं मालूम पड़ता है कि महंगाई की मार क्या होती है, लोग कहे भूखे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ते हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, 50 रुपये बढ़ा दिए उसने, उज्ज्वला योजना को लेकर खूब लोगों को इम्प्रेस कर दिया, पूरा मीडिया जो है आप भी उसमें शामिल, सब लोग आप दबाव के अंदर, इनकम टैक्स ED CBI आपके मालिक लोग जो है ना अच्छे लोग हैं, मेरे तो व्यक्तिगत मिलने वाले हैं, वो क्या करे, कभी पहुंच जाएंगे इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, ईडी वाले पहुंच जाएंगे, आजकल तो इनकम टैक्स पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, ये सिस्टम इनका, CBI ऊपर से घुस जाती है, उनको अपना चैनल चलाना है तो वो उस ढंग से बिहेव कर रहे हैं, देश के अंदर नुकसान देश को भी हो रहा है, कभी कभी उनको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उनका भी अंतरात्मा जब जागेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम किस दिशा में ले रहे हैं देश को, उनको भी जनता माफ नहीं करेगी। और मीडिया की भूमिका जो है देश में दबाव की भूमिका, जिसमें भास्कर का आयाम दिया, भास्कर का आपको वो स्थिति आज कमोबेश चाहे प्रिंट हो चाहे आपका ये विजुअल मीडिया हो सबकी बनी हुई है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, उसकी तरह वो इश्यू नहीं है देश के लिए, इश्यू वो नहीं है, इश्यू है बुलडोजर इश्यू है, फेक एनकाउंटर इश्यू है। इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की बात करो, चुनाव जीतने के लिए आप ध्रुवीकरण करो, ये आसान काम है, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, ये आग लगाने का काम करते हैं, आग बुझाने में बहुत मुश्किल टाइम लगता है, मुश्किल वक्त लगता है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं इनका व्यवहार, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर अशोक गहलोत की लोकप्रियता से मुकाबला कर, अशोक गहलोत की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ये रंग दे रही है जो, देखिए भैया लोकप्रियता की बात नहीं है, तो सरकार की लोकप्रियता होती है, हमने बजट पेश किया, लोग आज सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, कोई दोहराज में मानता हूँ, पर हम तो अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं वो अपनी उनकी जगह है वो, परंतु ये मैं कह सकता हूँ अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर, JP नड्डा का जी आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है, दंगों का होना और जगह जगह तनाव पैदा करना, ये तमाम बातें इलेक्शन मोड की शुरुआत है राजस्थान के अंदर। मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा आप लोग रहो जागरूक रहो, और ये ऐसे ऐसे मीडिया के थ्रू बातें कहेंगे हमें उसे बचाव करना है, बच के रहना है, हम अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। मैं अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हूं तो मेरी ड्यूटी है हमारा प्रदेश शांति सद्भावना भाईचारे के साथ रहे, हम ये अपेक्षा करेंगे प्रदेशवासियों से भी, उनके सहयोग से संभव है, ये रैलियां करते हैं धर्म के नाम पर, जो नारे लगाते हैं, नारे लगाते भड़काने वाले नारे लगाते हैं, DJ बजाते हैं, ये तमाम काम इलीगल काम है, अगर जुलूस निकालना धार्मिक तो कौन रोकता आपको, आप आराम से निकाले, धर्म का संदेश दे, हर धर्म सिखाता है प्रेम और भाईचारे की बात सिखाता है, तो क्या कौन धर्म कहता है कि आप नारे इस प्रकार से लगाओ दूसरे धर्म को पीड़ा हो और वहां पे दंगे भड़क जाए।